मकर संक्रांति के मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने सरयू नदी तट पर मंच लगाकर केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियां बताई। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता विधायक चंदन राम दास ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार ने ऐतिहासिक कार्य करते हुए जनता का विश्वास जीता है। उन्होंने कहा कि सीएए कानून के मामले में कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल बैकफुट पर हैं। कहा कि विपक्षी दल जनता को भड़काने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता भी जनता के बीच जाकर सीएए कानून की अच्छाई को बताने का कार्य करेगी। चूंकि उत्तरायणी के इस पावन पर्व पर पहले तो मैं पूरे क्षेत्रवासियों को और पूरे जनपद वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूं। और चूंकि हम लोग प्रतिवर्ष इस सरयू बगड़ पर यहां पर विभिन्न राजनीतिक दलों की सभाएं जनसभाएं होती आ रही हैं और इससे तमाम राजनीतिक दल अपने अपनी जो उपलब्धियां होती हैं एक संदेश देने का काम भी यहां से होता है। आज हर वर्ष की भारतीय भारतीय जनता पार्टी भी यहां से हम समस्त देशवासियों को समस्त क्षेत्रवासियों को संदेश देते हैं कि निश्चित रूप से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक जिस तरह से देश में इस प्रदेश में कार्य कर रहे हैं और निश्चित रूप से इस भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प जो भारतीय जनता पार्टी ने लिया है वो बहुत जल्दी पूरा होगा। इसी ऐतिहासिक बगड़ पर 1929 में पूरी बेगार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। पंडित बद्रीदत्त पांडे जी के नेतृत्व में 1929 में सरयू बगड़ में कुली बेगार के अभिलेखों को सरयू में समर्पित किया था। उसी दिन से बागेश्वर में प्रत्येक वर्ष उत्तरायणी के पर्व पर राजनीतिक महत्व के सभी लोग अपना अपना पंडाल लगाकर अपनी अपनी बात करते हैं और आज भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में, जिला पंचायत अध्यक्ष के नेतृत्व में बागेश्वर में नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष में देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और दोनों पार्लियामेंट को धन्यवाद देने के लिए विशाल रैली का भी आयोजन किया। इस रैली के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जनपद इकाई के द्वारा हमने देश के प्रधानमंत्री को नागरिकता संशोधन अधिनियम के पक्ष में समर्थन दिया है। सीसीएन न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।